legal properties of alkanes. थोड़ा शांति रखे सबके. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में हमने देखा था C1 से लेकर C4 गैसेस है. C1 से C4 लेके गैसेस है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस है, है ना. उसके बाद C5 से लेके C17 तक लिक्विड्स है, लिक्विड्स. और C18 से आगे के जैसे DMSO, DMF, DCR, है ना, एसीटोन, ईथेन, जो भी इनमें सॉल्युबल होता है. उसके बाद आपको समझना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अल्केन्स में ना तो डायपोल मोमेंट है, ना तो अल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, यानी अल्केन्स में केवल एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अल्केन्स में केवल एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. समझ में आ रहा है. और आपको पता होना चाहिए वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली डिपेंड्स on a molecule. And a van der Waals force of attraction do kuch nahi chahiye. Sab mein hota hai van der Waals force of attraction. Dipole-dipole interaction, dipole-dipole induced interaction, dipole-ion interaction, hydrogen bonding. Inke liye dipole compulsory hai. Lekin van der Waals force of attraction sab mein hota hai. This is due to instantaneous dipole moment. Samajh mein aa raha hai? To dekhiye, maine bola tha ki as number of carbon atom increases, melting point ya boiling point increases. Jaise मीथेन को और अगर आप इथेन को कंपेयर करेंगे तो बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि मीथेन छोटा है. एंड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल. बिगर द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल मोर इज द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इथेन बड़ा है ना, इससे यहां पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा. और मीथेन में क्या होगा, कम. ये हमने सीखा था. मींस as we go down the group in a homologous series, boiling point increases, melting point also increases, but थोड़ा सा abnormally, तो देख लेना table में, ठीक है ना. उसके बाद हमने सीखा था for isomeric alkanes means they have same molecular formula but different the structural formula. example लिया था hexane, एक दो तीन hexane, ऐसा लिया था, ऐसा लिया था, ऐसा लिया था, और भैया ऐसा ही समझ में आया. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6, 1 2 3 4 5 6. समझ में आया. दिस इज नॉर्मल हेक्सेन, राइट, फर्स्ट वन. दिस इज नॉर्मल हेक्सेन. दिस व्हिच वन बोला था, आइसो हेक्सेन. अभी मुझे कुछ बनाना था अलग, हो गया 1 2 3 4 और 5 ई यहां पर बना. समझ आ रहा है ना, जिसे बोलोगे आपका आइसोहेक्सेन, है ना, आइसोहेक्सेन. ये कौन सा बोलोगे आपका, नियोहेक्सेन. अभी बोलना मैं पढ़ाया नहीं. दिस इज 3 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 ना, 3 मिथाइल हेक्सेन. समझना, मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्केन्स डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस. सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा. दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा क्योंकि दोनों में सेम टाइप की ब्रांचिंग है ना. समझ में आ रहा है क्या? सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस. तो होता क्या, देखो अगर नॉर्मल अल्केन है ऐसा, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, क्योंकि ऐसा फैला हुआ है ना, वो चपटा प्लेन है. सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा. सरफेस एरिया ज्यादा मतलब ऐसा लंबा है, यानी ज्यादा यहां पे क्या बनेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया क्या होता है, कम. सरफेस एरिया कम होता है ना, इसकी साइज छोटी हो जाती है. साइज छोटी हो तो मतलब उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट. समझ में आ रहा है, लिखिएगा
नॉर्मल एल्गीज हैव हायर सरफेस एरिया, नॉर्मल एल्गीज हैव लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर नॉर्मल एल्गीज हैव लार्जर सरफेस एरिया एंड सो हायर WFA, and so higher WFA, and so higher WFA, and so higher WFA. Normal, VFA, van der Waals, sorry, and higher VFA. Normal against have higher surface area, नहीं larger surface area, higher गलत हो जाएगा ना, larger surface area, and so higher VFA. And so they have high BP. 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 As compared to branched algae. Which have lower surface area. Which have less surface area. Which have less surface area, which has less surface area, which has less surface area, and has spherical shape, and has spherical shape, and has spherical shape, which leads to less VFA. Leads to less VFA. Tick. And so low BP. Low BP. Tick. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना. गुरुड़े आप बताना. किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? पहले क्या बताएगा? नहीं सर. क्यों? कोई ब्रांच नहीं तो पहले कर दो. दूसरे का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? ज्यादा. इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है ना, इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. देखिए आइसोमेरिक हो तो भी बात वही बात चलती है. व्हेन देयर आइसोमर्स, दोनों आइसोमर हो गए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अभी किसका है? ऊपर वाले का. क्लियर? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट वाले, जेई वाले कभी कभार, और यही हम लोग छोड़ देते हैं. क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है. अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्कीन्स. अल्कीन्स एनसीईआरटी पढ़ना है तुमको, क्या रखना है? एनसीईआरटी पढ़ना है इसलिए स्टेट लार्जर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच लोअर बॉइलिंग पॉइंट. बट किसके लिए? आइसोमर्स के लिए. अगर आइसोमर्स नहीं है तो क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसी तरह आपका लाइन